हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो क्यू बेसिक को लेकर के है। जी हाँ, क्यू बेसिक, वही क्यू बेसिक जो क्लास 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है और कई बार बच्चे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, उनको समझ ही में नहीं आता है कि ये है क्या, ये बनेगा कैसे प्रोग्राम, और फिर आगे पाइथन आ जाता है, फिर C++, जावा, तो उन सबों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है। तो छोटे स्टैंडर्ड पे इसको ज़रूर सीखना चाहिए। एक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम है क्यू बेसिक का ही, ठीक है, तो उसी को हम आज देखने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्यू बेसिक मैंने ओपन किया है और यहाँ पर एक प्रोग्राम हमें बनाना है जो कि डिस्प्ले कराएगा एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल डिस्प्ले कराएगा। यहाँ पर मैंने CLS लिखा है। CLS एक कमांड होता है जिससे क्या होता है, स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अब चूंकि यूजर द्वारा एंटर करवाना है तो क्या लिखना होगा आपको, तो एक यहाँ पे लिखना होगा आपको इनपुट, क्या लिखना होगा, इनपुट लिखना होगा। इनपुट एक फंक्शन है जो यूजर द्वारा एंटर करवाता है। अब यहाँ पे क्या दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पर, तो दिखाई पड़ेगा एंटर एनी नंबर, ठीक है, इंटर एनी नंबर या इंटर रेडियस कर देते हैं, रेडियस, ठीक है, तो ये इंटर रेडियस कर दिया और डॉटेड कॉमा को क्लोज किया और फिर कॉमा देखिए आर कर देंगे। यहाँ पर आर का मतलब है कि यहाँ पे रेडियस की बात होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे एरिया नाम से एक और बना लेते हैं वेरिएबल और इज इक्वल टू 3.14 पाई का मान होता है, आप जानते ही हैं, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आर इंटू आर, ठीक है, क्या करना है, आर इंटू आर कर लेना है, तो बस आर इंटू आर कर लीजिए, यहाँ से आर इंटू आर कर लीजिए, ये हो जाएगा आर इंटू आर। और जैसे ही आर इंटू आर होगा तो फिर एंटर करके नीचे आना है और हमें प्रिंट करवाना है, जैसे कि आप पाइथन में प्रिंट लिखते हैं वैसे यहाँ भी प्रिंट आपको लिख देना है। और प्रिंट लिखने के बाद क्या करना है, जैसे प्रिंट लिखेंगे तो फिर यहाँ पर अब आपको वो चीज देनी होगी ना कि आखिरकार क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, तो एक बार गैप देके लिख दीजिएगा एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE इज ऑटोमेटेड, कॉमा को क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद क्या करना है, और क्लोज करके कॉमा लगा देंगे और ये जाके कहाँ स्टोर होगा, तो एरिया के अंदर AREA लिखिए और अब इसको चलाने की बारी है, तो यहाँ रन पे क्लिक करके इसको चलाएंगे, तो इस प्रोग्राम को यहाँ से ओके करेंगे रन करवाने के लिए। तो जैसे ही रन करवाएंगे तो देखिए ये लिखा हुआ है creating.exe फाइल, यानी एक्सिक्यूटेबल ये फाइल बना रहा है और अब जबकि एक्सिक्यूटेबल फाइल बना लेगा तो यहाँ पर आंसर हमें डिस्प्ले होगा। और ये क्यू बेसिक आपको जरूर चलाना चाहिए अगर आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो, और जरूर चलाइएगा। और इस पर आधारित और भी प्रोग्राम्स मैं आपको देता रहूंगा, इस पर और भी ट्यूटोरियल मैं बनाता रहूंगा। यहाँ देख सकते हैं आउटपुट में पूछ रहा है इंटर रेडियस, तो हमें रेडियस यहाँ दे देना है, जैसे 5.5 हम रेडियस दे देते हैं और जैसे ही एंटर करेंगे ना तो एरिया ऑफ सर्कल आपको ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे देखिए 94.985 जो है एरिया ऑफ सर्कल है। अगर इस प्रोग्राम को हम दोबारा से चलाएंगे, आप चाहे तो नीचे एंड दे सकते हैं, यानी एंड ये बताता है कि ये प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे रन पे जाके फिर इसको रन करा सकते हैं यहाँ से, या फिर F5 डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक ही कर देते हैं, तो ये क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो ओके करेंगे तो फिर ये एक्सिक्यूटेबल फाइल बनाएगा और एक्सिक्यूटेबल फाइल बना करके इसको रन करेगा और रन जैसे ही करेगा ना तो फिर वही चीज की इंटर द सर्कल पूछेगा, इंटर द रेडियस, ठीक है। तो यहाँ देखिए इंटर रेडियस पूछ रहा है, तो इस बार हम देते हैं 30 दे देते हैं, तो अगर 30 दे देते हैं तो क्या होगा, तो इसके हिसाब से एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जानते ही है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाई का मान है 3.14 और आर को दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर स्क्वायर हो ही जाएगा। तो बस ये करना है आपको। इस पर आधारित और भी प्रोग्राम्स हैं जिनकी वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा, क्लास 8 के लिए खासतौर से और 7th के लिए है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।